क्या जासमिन के साथ बैठने की वजह से पड़ी है रुबीना को फटकार? आखिर कल के एपिसोड में जो रुबीना को फटकार पड़ी उसका क्या रहा मेन कारण, बताते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। यहाँ पर देखिए क्या होता है ना, जो चीज करता है या जो नाइंसाफी करता है या जो गलती करता है उससे बड़ी गलती हो जाती है उस इंसान की, जो गलती देखकर चुप रहे। यहाँ पर रुबीना दिलैक को फटकार पड़ने की वजह ये थी कि आप नेगेटिविटी में घुस रही हैं या नेगेटिविटी के साथ बैठी हैं, तो आप भी नेगेटिव नजर आ रही हैं। और अगर आप नेगेटिव नजर आएंगी तो कहीं ना कहीं ऑडियंसेस को इस बात का पता चल ही जाता है कि रुबीना दिलैक भी उसमें से एक थी जो बैठ कर राखी सावंत का मजाक उड़ा रही थी। तो यहाँ पर जासमिन और निकी के साथ बैठे रहना रुबीना दिलैक को भारी पड़ गया है, और बैठ कर कुछ ना बोलना उनको और ज्यादा भारी पड़ गया है। क्योंकि यहाँ पर साफ बात ये थी कि अगर राखी सावंत के साथ हो रहा है गलत, तो उनको उठानी चाहिए थी अपनी आवाज कि ये सब कुछ ना बोला जाए उनसे। एंड दिस इज वेरी चीप कि किसी की नाक गिर जाएगी, और इस तरह के कमेंट्स करना, किसी के फेस पे कमेंट्स करना अच्छी बात नहीं थी। यहाँ पर जैस्मिन और निकी जितनी गलत थी उतनी गलत रुबीना इसलिए नजर आई क्योंकि रुबीना दिलैक बिना कुछ बोले वहीं बैठी रही, जबकि रुबीना दिलैक कितनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग हेडेड है कि अगर वो जानती है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज अकेले उठा सकती है। तो यहाँ पर रुबीना दिलैक को डांट जो पड़ी है वो कहीं ना कहीं इसी वजह से पड़ी है। लेकिन आपको क्या लगता है, रुबीना दिलैक की इस बात पर डांट पड़ना वाजिब था या नहीं, जस्टिफाइड था या नहीं, आइए बात करते हैं कमेंट सेक्शन में। साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, नए साल में नए अंदाज में नई खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।